हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स। में फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो सीएमडी की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया गया, जिसमें बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फ्री रखा गया है, कोई भी एग्जामिनेशन नहीं रखा गया है, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्योर और एप्लीकेशन प्रोसीड्योर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाके डिस्कस करूंगा, और उसके साथ इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में वेबसाइट में जाके दिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि सेंटर फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, कोई भी परमानेंट जॉब नहीं है। इसमें आप लोग को इनिशियली एक साल के लिए हायर किया जाएगा, और उस एक साल में आप लोगों का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। अगर आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसमें आप लोग का जॉब लोकेशन केरला पे रहेगी। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और इसमें अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आ गया है 22 जून 2022। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें फर्स्ट है सिविल वालों के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग सिविल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 30,000 पर मंथ मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग मैकेनिकल या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक की हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और उसके साथ मिनिमम 3 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें आप लोग को सैलरी 30,000 पर मंथ मिल जाएगी, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप लोग एस सी एस टी ओ बी सी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, ओ बी सी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिल जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की बात करें तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पर ऑनलाइन रखा गया है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग को उसी वेबसाइट में विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। जब आप लोग इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे तो उस टाइम आप लोग को फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, जिसमें फोटोग्राफ का साइज 200 KB के अंदर होनी चाहिए, और फोटोग्राफ का फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए, और सिग्नेचर का साइज 50 KB के अंदर होनी चाहिए, और फॉर्मेट JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप लोग इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आप लोग का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका कॉपी भी आप लोग को अपलोड करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर इन्होंने इस नोटिफिकेशन पे कहीं पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है, बट जितना मुझे लगता है कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप लोग इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। बट एक्चुअल सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या होगा वो आप लोग को बाद में नोटिस या तो ईमेल के थ्रू पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, हर एक कैटेगरी के लिए फॉर्म कम्प्लीटली फ्री है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और ये है इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स जो आप लोग देख पा रहे हो। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग इसी लिंक पे आना होगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जिसमें फर्स्ट आप लोग को आपके नेम फिल करना है, उसके बाद आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसको आप लोग को यहीं से चूज करना होगा। उसके बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना होगा। उसके साथ आपको आपका रिलीजियन, कास्ट, कैटेगरी फिल करना है। नेक्स्ट आप लोग को आपके परमानेंट एड्रेस का डिटेल्स यहीं पर फिल करना होगा, और एड्रेस फिल करने के बाद फ्रेंड्स, आप लोग को आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पर फिल करना होगा। उसके साथ आपको आपका सीवी का जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप लोग कहीं पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का स्कैन कॉपी से यहीं पे अपलोड करना होगा, जिसमें आप लोग का फोटोग्राफ 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। और हर एक इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप लोग को डिक्लेरेशन पर टिक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो।
मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस बना के यूट्यूब में अपलोड करता हूँ उसका लिंक वगैरह मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं पे मिस कर देते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा जॉब रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज या इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ और अगर भी शेयर करता रहूँगा, और उसके साथ एग्जाम का सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। तो अभी कभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, आप लोग को भी फायदा मिलेगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी और इसमें अप्लाई करने का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।